हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आप सबका स्वागत है पायल रेसिपीज़ हिंदी में। आज हम बनाने वाले हैं सूजी का शेजवान डोसा। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी सूजी ली है, ये हमें एक बड़े बर्तन में निकालनी है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लगने वाला है। अभी जो हमने 1 कटोरी सूजी और 2 चम्मच मैदा लिया है, इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है मिक्सी के जार में डालकर। तो यहाँ पे जो हमने सूजी ली है वो मोटी भी ली तो चलेगी, क्योंकि हमें मिक्सी के जार में डाल के इसे पीसना ही है। तो अभी ये हम अच्छे से पीस लेते हैं। आज का शेजवान सूजी का डोसा आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अभी ये ग्राइंड किया हुआ जो मिश्रण है वो हम निकाल लेते हैं और इसमें हमें डालना है दही। तो यहाँ पे मैंने घर का जमाया हुआ दही लिया है। 2 चम्मच हमें यहाँ पे दही लेना है। 2 चम्मच से कम यहाँ पे हमें दही यूज़ नहीं करना है, कम से कम 2 चम्मच दही तो हमें यूज़ ही करना है। अभी ये अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और पानी से अच्छा एक बैटर रेडी करेंगे, जैसे हमारा डोसे का बैटर होता है। अच्छे से हमें इसे फेंट लेना है। अगर आपके पास दही नहीं हो और छाछ हो तो आप छाछ डाल के भी इसे अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमें बैटर रेडी करना है। अगर आप छाछ डालोगे तो इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। अभी बैटर रेडी है, आप यहाँ पे विस्कर से भी इसे फेंट सकते हैं। मैंने यहाँ पे चम्मच से ही ये बैटर रेडी किया है, चम्मच से भी हो जाता है। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रखेंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है। अभी हमें यहाँ पे लगने वाला है प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, यह हमें अच्छे से बारीक कट कर लेना है। अभी जो बैटर है उसको रेस्ट हमने दे दिया है। थोड़ा सा इसमें नमक डालना है और 1 पिंच सोडा डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आप बैटर देख सकते हैं कितना अच्छा रेडी हुआ है। आज का हमारा जो शेजवान सूजी का डोसा है वो परफेक्ट ऐसा डोसा है। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे डोसे जो है वो बनाए हुए हैं, बैटर का डोसा, सूजी का डोसा, बहुत सारे हैं। मैं आई बटन पर दूंगी, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देखना। अभी हमें तवा गरम कर लेना है, तवे पर अच्छे से हमें ऑयल लगा लेना है और जो बैटर हमने रेडी किया है वो हमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच बैटर तवे पर डालना है और अच्छे से फैला लेना है। जब तक बीच में डोसा जो है वो तवे को चिपकता नहीं है तब तक हमें साइड से इसे फैलाना नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया सेम वैसे ही करना है। और थोड़ा सा डोसा हो गया कि हमें उसे तेल लगाना है। अभी जो कटी हुई चीज़ें हैं वो हमें डोसे पर डालनी है, जैसे कि कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च। इसे बीच में ही हमें डालना है क्योंकि गैस की जो फ्लेम है वो बीच में ही ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच शेजवान चटनी डाल दी है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बीच में ही मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अच्छे से हमें इसे फैला लेना है डोसे पर। देखिए, डोसा जो है वो साइड से अच्छी तरह से निकल रहा है। डोसा हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। फैलाने के बाद हम इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा झटपट से तैयार होने वाला शेजवान सूजी का डोसा खाने के लिए रेडी है। एकदम क्रिस्पी हुआ है, आप भी ट्राई कीजिएगा और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।